हम एकदम अंदर की खबर बता रहे हैं कि मांझी के साथ हुआ क्या और कैसे जो दोनों हाथ में लड्डू था वो नीतीश कुमार के जाने के सामने जाने के बाद एक हाथ की लड्डू वही छूट गई। तो सवाल है कि मांझी चाहते क्या थे और हुआ क्या। मांझी तो इससे पहले पैतरा ले रहे थे, तो पैतरा जब ले रहे थे और वहां जो पैतरा दिखा तो इनका पैतरा गुम हो गया। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जीतन राम मांझी 4 दिन पहले सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं अपने पार्टी के विधायकों के साथ और उसके अगले दिन बिहार के गवर्नर से मुलाकात करते हैं। सवाल मुलाकात भर का नहीं है, सवाल जिस तरीके से बीते 15-20 दिन से मांझी और उनके बेटे जिस तरीके से बयान दे रहे थे और नीतीश कुमार के मिलने के बाद भी वो जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी किया, कभी मांझी नरम से दिखते हैं, कभी मांझी गरम से दिखते हैं, कभी ऐसा लगता है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। साल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार से मुलाकात होती है, उसके बाद जब मीडिया से वो में बयान दे रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि पुल वाले मामले पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त कौशलेंद्र दर्शी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इसे जानेंगे कि नीतीश कुमार से मुलाकात हुई जीतन राम मांझी से, उस मुलाकात का मजमून क्या रहा और क्यों ये मुलाकात हुई। हालांकि जीतन राम मांझी ये कह चुके हैं विधायकों के मसले थे और इसलिए वो मिलने गए थे। क्या आपको भी लगता है कि ये विधायकों के मसले सुलझाने के लिए जीतन राम मांझी गए थे या 2024 का रास्ता साफ करने के लिए गए थे? नहीं, देखिए, यूँ तो छोटे छोटे जो दल होते हैं वो प्रेशर पॉलिटिक्स खेला ही करते हैं और मांझी उसके माहिर खिलाड़ी हैं। उन्हें लग रहा है कि 2024 में कैसे हमारी पार्टी का वजूद कायम रहे और पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, तो इसीलिए कभी नरम होते हैं, कभी गर्म होते हैं, कभी बीजेपी के प्रति, कभी इधर। अब हम एकदम अंदर की खबर बता रहे हैं कि मांझी के साथ हुआ क्या और कैसे जो दोनों हाथ में लड्डू था वो नीतीश कुमार के जाने के सामने जाने के बाद एक हाथ की लड्डू वही छूट गई। नीतीश कुमार ने इस तरह के तरीके से बात की या ये इस तरीके का ऑफर दिया कि जीतन राम मांझी ने उसके बारे में सोचा तक नहीं था। हम बिल्कुल, ये पक्की खबर है, आप सूत्र जो बताते हैं उनके अनुसार। तो जीतन राम मांझी अपने 4 विधायकों के साथ, उससे पहले आप देख रहे हैं कि हमारी 7 सीट पर तैयारी है, हमारी सारी सीटों पर तैयारी है, जितना कहेंगे फिर उतना पे मान जाएंगे, नीतीश जी से अच्छा कोई लीडर नहीं है, पुल पर पहले कुछ, फिर सीबीआई जांच की मांग, फिर एस्टीमेट घोटाला, फिर शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्यपाल से मिलना, इधर का घटनाक्रम है नीतीश कुमार से मिलने के बाद। तो सवाल है कि मांझी चाहते क्या थे और हुआ क्या। नीतीश कुमार के पास जाने के बाद क्या हुआ, सारे विधायकों के साथ गए नीतीश कुमार के पास मांझी अपने सारे विधायकों के साथ मिलने जाते हैं, सारी बातचीत खत्म हो जाती है। इसके बाद नीतीश कुमार उन्हें टका सा जवाब देते हैं, बगैर लाग लपेट के कहते हैं कि कोई चारा नहीं है, आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए। हम पार्टी का विलय कर लीजिए, ऐसे हम कितनी सीटें दे पाएंगे। तो ये 2-3 मिनट के लिए, मतलब जो भी लोग वहाँ थे, इनके विधायक थे, वो सोचने लगे कि आए थे यहाँ सीट का नफा नुकसान दिखाने, अब तो यहाँ विलय की बात हो रही है। तो ये अपने बेटे की तरफ भी देखे, 4 विधायकों की तरफ देखे, इन्होंने कहा कि अब तो इन्हीं लोगों को करना है, मतलब चूंकि इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे मांझी। मांझी तो इससे पहले पैतरा ले रहे थे, तो पैतरा जब ले रहे थे और वहाँ जो पैतरा दिखा तो इनका पैतरा गुम हो गया। और अपने विधायक इतना उन्हीं के सामने, अगर ऐसा कहें तो उन्हीं के पार्टी के विधायकों को तोड़ने की भी बात हुई। जैसे पता, ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ लोगों को मंत्री भी बना देंगे, एक मंत्री भी दे देंगे। हाँ, मांझी सोच कर कुछ गए लेकिन यहाँ खेली पलट गया। तो ये मतलब साफ है, जैसे लोग कह रहे हैं महागठबंधन में 7 दल है तो कितने को कितना टिकट मिलेगा। तो मांझी और सहनी को याद होगा कि आपको तेजस्वी यादव ने कैसे मंच पर ले जा करके ठोकर लगा दिया था, फिर सहनी को वहाँ से निकलना पड़ा था, रास्ता लेना पड़ा था। तो मांझी के साथ भी मांझी सोच ही रहे थे कि आखिर आने वाले समय में क्या होगा। तो मांझी ने विचार किया कि पहले नीतीश कुमार से मिल लेते हैं, पैतरा तो जितना लेना था ले लिए, उनके बेटे भी पैतरा ले रहे थे कि हमको इतनी सीटें चाहिए। लेकिन
इस चीज की कल्पना उन्होंने नहीं की थी, इस बात का अनुमान उन्होंने नहीं लगाया था कि नीतीश कुमार की तरफ से इस तरीके का जवाब आएगा सीट के एवज में। तो वहाँ भक रह गए और उसके बाद आप देख रहे हैं कि जब वहाँ से निकले, हालांकि बहुत कम लोगों को ये जानकारी है, जब वहाँ से निकले तो राज्यपाल से मिलते हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। फिर उसके बाद आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें मंथन हुआ कि आखिर किया क्या जाए। हालांकि बहुत पहले से ये चीज़ें चल रही है कि बीजेपी के साथ डील होगी, एनडीए में मांझी जाएंगे, लेकिन हम जो पक्की खबर दे रहे हैं वह यह है कि नीतीश कुमार से मुलाकात के दौरान जीतन राम मांझी को यह साफ साफ कहा गया कि पार्टी का विलय कर लीजिए, आपके लिए कोई चारा नहीं है। मांझी जी कहा तो हम पार्टी अपने लिए लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है वो डिमांड कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने के मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने जवाब ही ऐसा दिया कि भक रह गए मांझी। नीतीश कुमार ने सख्त लहजे में कह दिया है कि आप जो हैं, आपकी पार्टी जो है उसका विलय जो है वो जेडीयू में करवा लीजिए। उसके बाद मांझी आनन फानन में उसके अगले दिन जीतन राम मांझी जो हैं वो राज्यपाल से मुलाकात करते हैं। फिर आज कोर कमेटी की बैठक होती है जिसमें कि मांझी अपने विधायकों को कहते हैं कि अभी कुछ बोलना नहीं है, यथा स्थिति जिस तरीके से है उसी तरीके से चलने दीजिए। हमने इस वीडियो के जरिए बड़ा खुलासा किया कि नीतीश कुमार ने मांझी को कहा कि आप अपनी पार्टी का विलय जो है वो जेडीयू में करवा दीजिए, और आगे भी इस खबर को लेकर जो भी अपडेट होगा हम आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं।